हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए पिछले पार्ट में हमने दोनों को जोड़ के ये कंगूरे बना लिए थे और ये हमारा जो साइड का हिस्सा है, एक साइड का एक खुला हुआ था और इस पार्ट में हम इसे जोड़ेंगे। पूरी घेर को कंप्लीट कर लिया, यहाँ से हमने जोड़ा था, यहाँ जोड़ा था और फिर यहाँ से हमने ये घेर कंप्लीट कर लिया। अब हमें इस साइड को जोड़ना है। तो देखिए इस साइड को हम कैसे जोड़ेंगे, सेम प्रोसेस, इसे हम ऐसे यहाँ मिलाएंगे और ये जहाँ हमें हमारी जाली ख़त्म हुई है यहाँ से हम पहले ऊन को जोड़ लेंगे। ये देखिए ये जोड़ लिया है यहाँ पे दोनों, जहाँ पे हमारी जालियाँ हैं वहाँ से हमने जोड़ लिया है। और जैसे अभी हमने पिछले पार्ट में बनाया था, यहाँ से पहले एक हम चेन लेंगे इस तरह से और अब हम इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये देखिए 8। ये मैंने 8 डबल क्रोशिया बनाए। अब देखिए यहाँ पे हमारा जोड़ा गया है। दोनों पोर्शन को ध्यान रखिएगा, दोनों पोर्शन को सेम लेकर एक जैसा करके हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से दोनों पार्ट में इस तरह से क्रोशिया इंसर्ट करके एक स्लिप स्टिच लेके बंद कर देंगे। फिर से हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस साइड का और इस साइड का, ये जो हमारा चैन है देखिए, ये चैन को लेंगे और यहाँ पे हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात 8। 8 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब देखिए यहाँ से ही सेंटर में इसे लेंगे और इसे, ये दोनों पार्ट को लेकर इस तरह से देखिए इसे हम ऐड कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब फिर हम इसमें हम 8 चैन स्टिच डबल क्रोशिया बना के इसी तरह की बुटीज बना लेंगे। ये देखिए हम लास्ट में आ गए, ये हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। फिर इसके बाद इसे हम स्लिप स्टिच से ऐसे ऐड करेंगे, एक चैन ले लेंगे, फिर से हम 8 डबल क्रोशे, लास्ट वाला है हमारा। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये लास्ट 8। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए इसे हम इस तरह से लेंगे और यहाँ सेंटर में इस तरह सेंटर में हम स्लिप स्टिच से ऐड करके ये हमने धागा खींच लिया। अब ये जो धागा है हमारा, इसे हमें छुपाना है तो इसे हम यहाँ से ऐसे इस तरह से, अब ये जो आपके लूप्स है इसमें क्रोशिया ऐसे इंसर्ट करिए और इस धागे को ये ऐसे लूप बनाकर ऐसे खींच लीजिए और जो एक्स्ट्रा धागा आपको दिख रहा है इसे फिर आप कट कर दीजिए। ये देखिए साइड हमारी कितनी प्यारी से बन गई। देखिए पास से देखिए एकदम बहुत ही अच्छे से इसके किनारे बन गए हैं। आप इसे रॉन्ग साइड से भी पहना सकती हैं और आप इसे राइट साइड से भी, दोनों तरफ से आप चाहे जैसे पहना सकते हैं। अब देखिए इस तरफ मैंने ये बनाया हुआ है फूल जो हमारे कंधे पर रहेंगे, इस साइड भी हमें बनाना है, ये मैं आपको बना के बताती हूँ। सबसे पहले ऊन को हम उंगली में 8 बार लपेटेंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। थोड़ा ढीला लपेटेंगे। 8 बार लपेटने के बाद देखिए क्रोशिए को ऐसे इंसर्ट करेंगे, पास से देखिए क्रोशिए को इंसर्ट करेंगे, ये जो ऊन है इसे हम ऐसे खींचेंगे और एक लूप बनाएंगे। अब इसे धीरे से बाहर निकालना है। ये देखिए अब इसमें आपको 24 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 हमने बना लिया, 2 3 4 24 बनाने हैं, 5
ये मैंने 21 बना लिए हैं, 22, 23 एंड 24, ये हमने 24 बनाए हैं। और पहले वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से हम इसे ऐड करके चैन ले लेंगे। अब हम चार चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से उनको दो बार क्रोशिया में लपेटेंगे और अगली चैन स्टिच देखिए इसमें लेके हम अनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारे पास दो फंदे हो गए, 1, 2, एक सिंगल क्रोशिया में हमें एक लूप बनाना है, देखिए 4, और फिर अब हम इसे एक साथ बंद कर देंगे। फिर चार चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से हम इसे ऐड कर देंगे। फिर हम चार चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, फिर इस तरह से हम, ये हमने दो बनाए हैं, हम एक और फूल एक और पत्ती इसकी बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने तीन पत्तियां फूल की बनाई हैं। अब हम 10 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये हमने 10 चैन बनाया। अब देखिए ये हम इसका पोर्शन ले लेंगे 10 चैन बनाने के बाद। देखिए यहाँ से हम इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले तो इसे हम स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे, देखिए इस तरह से थोड़ी सी जगह लेकर। अब हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, देखिए 5 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। और इसके बाद हम एक चैन ले लेंगे, सिर्फ एक, ताकि हमें पता रहे कि यहाँ हमें फिर से सेकेंड वाली डोरी लगानी है। अब देखिए यहाँ पे आपको जितने भी आपको ये छोटे बड़े गैप दिख रहे हैं इनमें सबको आपको 5-5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब देखिए यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 3, 4, 5 और ये 6, 6 हमें स्पेस दिख रहे हैं, इस 6 में हमें 5-5 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से ये जो धागे हैं, अब सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये देखिए एक स्पेस में 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है 1 स्पेस में। फिर 5 सिंगल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इस तरह से आपको यहाँ तक बना लेना है। हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। ये देखिए ये लास्ट तक हमने 30 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। अब यहाँ भी हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ स्टार्ट करेंगे और 30 यहाँ तक लेकर हमें 30 सिंगल क्रोशे बना लेना है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास 60 सिंगल क्रोशे हो गए हैं, 30 फ्रंट पोर्शन में और 30 बैक पोर्शन में। अब यहाँ पे हम फिर एक चैन लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ अपनी डोरी को जोड़ना है। फिर हम 5 सिंगल क्रोशे इसमें बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद देखिए हमारे पास ये डबल क्रोशिया है, इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे ऐड कर देंगे। अब हम 10 चैन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये हमने 10 चैन बना लिया है। अब देखिए ये फ्लावर जो है हमारा हाफ फ्लावर है, हम इसके देखिए इसे हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये जो हमारा फ्लावर है यहाँ हम सॉरी इसे सीधा इस तरह से होगा ये, और यहाँ हम इसे ऐड कर देंगे। जो हमारी थर्ड पेटल है, थर्ड पेटल के सेंटर में हम इसे इस तरह से देखिए इस
तरह से सिंगल क्रोशिए से आपको ऐड करना है, इस तरह से टाइट कर लेंगे। और फिर आपको 10 चेन बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन बना लिया। अब देखिए इसी साइड हैं हम, हमने जो ये देखिए 1 2 3 4 5 ये देखिए यहाँ पे हमने ये चेन बनाई थी, ये चेन, इस चेन में हम इससे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। अब हम इसके 4 पार्ट कर लेते हैं। देखिए हाफ पोर्शन है यहाँ तक हमें सेंटर में 8 डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि हम 7 सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7वें और 8वें के बीच में हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये देखिए 8 बना लिया। और फिर इसके हाफ क्रोशिया बना लिए, फिर हम यहाँ 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 में हम इसे इस तरह से ऐड कर देंगे। देखिए ये हमने 8 बना लिए, फिर हम 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे और उसमें हम इसे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 ये हमने 8 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 काउंट करके इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। फिर हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना लिया और ये देखिए हम यहाँ पे एकदम सेंटर में आ गए हैं। तो अब यहाँ पे फिर हम 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पे 2 कंगूरे बनाए हैं, यहाँ पे 2 कंगूरे बनाए हैं, यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया का, वैसे ही हम यहाँ पे भी बना लेंगे। ये देखिए इस साइड भी हमने ये 2 कंगूरे बना लिए हैं और अब लास्ट में हमें इसे स्लिप स्टिच से जोड़ना है। तो देखिए जहाँ पे हमने ये सिंगल क्रोशिया लिया था, एक सिंगल चेन बनाई थी 5 क्रोशिया के बाद, देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि हमारा ये यहाँ पर है, तो यहाँ हम इसे सिंगल स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ये देखिए ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। और फिर आपको 10 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 चेन हमने बना ली हैं। अब इसे हम फिर ये जो फ्लावर है इसे आपको ऐसे सीधा रखना है और इसे आपको इसमें ऐड करना है। देखिए इस तरह से, ये इस तरह से हम इसे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम सेंटर में से राइट साइड पे आ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर आ जाएंगे हम, इस तरफ हम आ गए हैं। अब फिर से ये 3 पेटल्स बनाएंगे, जैसे हमने बनाया था वैसे वैसे ही हम ये पेटल बना लेंगे। देखिए 1 2 3 3 भी हम इस साइड बना लेंगे। एक में फिर से बनाकर बताती हूँ, 1 2 3 4 फिर डबल क्रोशे ट्रिपल क्रोशिया लेंगे अगले वाले में चैन स्पेस में, इस तरह से जो एक सिंगल क्रोशिया है उसमें हमें 1 स्टैंड बनाना है। ये हमारे पास 4 हो गए हैं, इनको हम एक दो तीन और ये 4 को हम अगले वाले सिंगल क्रोशिए में ऐड कर देंगे। ऐसे ही हमें 2 और बना लेना है। ये देखिए ये हमने 6 पेटल्स बना ली हैं और इसके बाद 4 चैन बनाई हैं, इसे हमें इसमें ऐड करना है। तो देखिए जहाँ पे ये हमारी डोरी है, इस डोरी के सेंटर में हम इसे ऐड करेंगे इस तरह से, ये देखिए, और इसे ऐड करने के बाद हम इसे यहाँ से तोड़ देंगे।
अभी जो ऊन है इसे आपको पीछे छुपा देना है, चाहे जैसे भी आप इसे कर सकते हैं। मैं इसे क्रोशिए से इंसर्ट करती हूँ इस तरह से, इसे बाहर लेके टाइटली और एक डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। देखिए हमारा बन गया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बहुत ही प्यारी बेबी फ्रॉक बनके तैयार हुई है। देखिए इस पूरा इसका जो लुक है वो इस तरह से है। मैं इसे यहाँ से मोड़ देती हूँ। ये देखिए इस तरह से है। बहुत ही प्यारी है और बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसे बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।